हाय, आई होप कि आप बढ़िया हो, मस्त हो और आपकी तैयारी भी बहुत गजब की चल रही है। देखो, इंग्लिश ग्रामर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए ये क्विक रिवीजन की क्लास स्टार्ट किया है कि हम इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको इसमें पढ़ा सकें और आप एग्जाम में पूरा चीर फाड़ करके आ एकदम से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि वाक्य संयोजन, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, नाउन आर नाउन फ्रेज का, इन्फिनिटिव का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का, इन सबको मैं समझा दिया हूं और आई होप कि आपको समझ में आया है और आपने वीडियो देखा भी है। नहीं देखे हो तो चैनल में उसके वो वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन और प्रिपोजिशन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कंजक्शन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ेंगे। देखो, कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ना इतना आसान है कि आप मतलब सोच नहीं सकते कितना आसान है। देखो, एक ही कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और दैट इज एंड। हम सिर्फ एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं, लेकिन कब इनका प्रयोग करेंगे? प्रश्न तो यही बनेगा पहले कि भैया हम कब लगाएंगे कंजक्शन, कैसे पता चलेगा कि इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन ही लगेगा, पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव, जीरंड, नाउन आर नाउन, फ्रेज इन अपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका प्रयोग नहीं होगा, कैसे जानेंगे? ऐसा कौन सा मंत्र फूकना है? देखो, रूल लिख लो, जब दो या दो से अधिक वाक्यों से यह बोध हो कि एक ही सब्जेक्ट एक समान दो कार्य को कर रहा है या एक ही कार्य को दो लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाएगा। समझो, एक इंसान एक साथ दो काम कर रहा हो तो, या फिर एक काम को दो लोग कर रहे हो तो, हम कंजक्शन एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे स्मिथ वेंट टू इलाहाबाद, जॉर्ज आल्सो वेंट। स्मिथ जो है इलाहाबाद गया, जॉर्ज आल्सो वेंट, जॉर्ज भी गया, यानी जाने का काम तो दोनों तरफ हो रहा है, जाने का काम तो दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ स्मिथ जा रहा है और एक तरफ कौन जा रहा है? जॉर्ज जा रहा है। तो भैया, हमने अभी तो बताया कि जब एक ही काम को दो अलग अलग लोग कर रहे होंगे तो ऐसे दोनों लोगों को एंड से जोड़ देंगे, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्या बोलेंगे? बोलेंगे स्मिथ एंड जॉर्ज, अब सेंटेंस बना देंगे। क्या काम हो रहा है? इलाहाबाद जाने का काम, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो भैया एक बार लिख देंगे वेंट टू इलाहाबाद, हो गया खत्म। सी बॉट अ पेन, सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा, उसने एक पेन खरीदा, यानी कर्ता एक ही है, दो अलग अलग काम, समान काम, दो समान काम कर रहे हैं एक साथ, यानी कि किताब भी खरीदा और पेन भी खरीदा। तो भैया जब एक ही कर्ता दो अलग अलग कामों को एक साथ एक समान काम कर रहे हैं तो हम ऐसे वाक्यों को एंड से जोड़ेंगे, बोलेंगे भैया क्या काम करे? खरीदने का, तो सी बॉट। अब क्या खरीद रहे हैं? पेन खरीदा और क्या खरीदा? किताब खरीदा एंड अ बुक, खत्म। सी बॉट अ पेन एंड अ बुक, खत्म कंजक्शन, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। माना कि आपके लिए हो सकता है एग्जाम्पल बहुत कम दिया, डोंट वरी, हमने तैयार किया है पूरा का पूरा 10 सालों का
प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी सेंटेंसेस पूछे गए हैं, जो जो भी क्वेश्चन आए हैं सेंटेंसेस से लेकर के, पूरा का पूरा तैयार किया है। उधर प्रैक्टिस पूरा भरपूर करेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा आपका। टेंशन ना लो, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ तो ले, अभी कंपाउंड बचा है, कॉम्प्लेक्स बचा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, कंजक्शन खत्म किए, अब हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। देखो, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना सिंपल सेंटेंस में, समझो ब्रह्मास्त्र है। यह समझ लो कि जब पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव नाउन आर नाउन फ्रेज, नपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब असफल हो जाए, सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा ना कि पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं, इन्फिनिटिव लगेगा कि नहीं, जो जो भी है लगेंगे कि नहीं, नहीं लग रहे कोई तो समझ जाओ कि अब कोई नहीं साथ आएगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो ब्रह्मास्त्र कौन बनेगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम मैक्सिमम नंबर के सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, अधिकतम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। जब वो सब काम नहीं आएंगे तो प्रीपोजिशन काम आएगा, इसलिए आपके पास प्रीपोजिशन का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रीपोजिशन का यूज, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, कैसे इनका कहां यूज करते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है, डोंट वरी, प्रीपोजिशन भी हम सिखा देंगे, इसी चैनल पर वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इसको। देखो, कह रहा है ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया, वो सफल नहीं हो पाया। क्या लग रहा है? एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो नाउ पार्टिसिपल तो नहीं लगेगा। एक काम की वजह से, कठिन परिश्रम करने की वजह से सफल नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं। नाउन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी नहीं लगेगा। क्या ये नाउन वाउन है कोई? नाउन के बारे में कोई बता रहा है? बिल्कुल नहीं। तो नाउन आर नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, और एडजेक्टिव भी नहीं लगेगा। क्या ही वर्कड हार्ड कुड नॉट सक्सेस, मतलब सफल ना होने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया था, उसका मकसद दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो इन्फिनिटिव भी नहीं लगेगा। क्या उस काम में, उस तरफ जो काम हुआ है, इधर उस काम के होने के बारे में बताया जा रहा है, कैसे किया गया? बिल्कुल नहीं। तो एडवर्ब भी नहीं लगेगा, कंजक्शन तो लगेगा ही नहीं। तो लगेगा कौन? जब कोई नहीं लगेंगे तो ब्रह्मास्त्र लगेगा, और ब्रह्मास्त्र कौन? प्रीपोजिशन। देखो, कई सारे प्रीपोजिशन है, बहुत सारे हैं, हम कौन सा प्रीपोजिशन का कहां उचित प्रयोग कर सकते हैं ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। बट हम बहुत सारे सिंथेसिस में प्रयोग किए जाने वाले दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए मैक्सिमम नंबर के जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है ना, इनको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप है, चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी देखो यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, वो सफल नहीं हो सका, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो सका। तो के बावजूद, और के बावजूद को हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ। चलो, प्रीपोजिशन तो मैं लगा दिया, लेकिन कह रहा है यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन या जीरंड, नाउन के पहले लगाओ या तो जीरंड के पहले लगाओ। अब नाउन तो हमारे पास है नहीं, तो हम जीरंड, जीरंड मतलब वर्ब को बनाओ, जीरंड वर्कड है, तो हम इसको बोलेंगे वर्किंग, और क्या हो जाएगा? हार्ड। ही कुड नॉट सक्सीड, ही कुड नॉट, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट सक्सीड, वेरी इजी। आई गॉट अ पेन, आई गेव 20 rupees फॉर इट, इसको याद कर डालो। जब कभी भी किसी चीज के बदले में कुछ दिया जाए, यानी कुछ लिया जाए और उसके बदले में कुछ दिया जाए, तो प्रीपोजिशन फॉर का ही प्रयोग करना है और किसी का नहीं करना है। सिंपल है फिर, आई बॉट अ पेन, क्या दिया? 20 rupees ना, उसको फॉर से जोड़ दो बस, फॉर 20 rupees, खत्म। जैसे मैंने आपसे कुछ लिया और आपको कुछ दिया, तो जो लिया उसको लिख दूंगा और जो दिया फॉर से जोड़ दूंगा बस। आई बॉट अ मार्कर फॉर 25, 30,
35 rupees. I bought a phone for blah blah blah, जो भी amount हो उस amount को बस four से जोड़ देंगे. देखो, you helped me, otherwise I should have been drowned. तुमने मेरी मदद कर दी, अन्यथा मैं तो डूब ही गया होता. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी मदद कर दीजिए, नहीं करे हो तो अब तक. You helped me, आपने मेरी मदद किया, otherwise I should have been drowned, अन्यथा मैं डूब गया होता. क्या लग रहा है, आपके मदद के बिना मैं डूब गया होता ना? आपके मदद के बिना, तुमने मदद कर दिया, अन्यथा मैं डूब गया होता, यानी आपके मदद के बिना मैं डूब जाता, मैं डूब गया होता. क्या लग रहा है, के बिना प्रीपोजिशन है, चलो के बिना लगाते हैं, क्या हो जाता, आई शुड हैव बीन ड्रॉन्ड. किसके बिना, आपकी मदद के बिना. तो इसको हम बनाएंगे क्या, नाउन फ्रेज. और अब बोलेंगे क्या, आई शुड हैव ड्रॉन्ड विदाउट, क्या लगाएंगे, विदाउट के बिना, क्या किसके बिना, योर हेल्प. यू हेल्प्ड मी यानी कि योर हेल्प के बिना. लो खत्म. देखो डियर, हमने सिंथेसिस पढ़ा दिया, सिंपल सेंटेंस को जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाए, ये आज खत्म हो गया. मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आई होप कि आपको समझ में आया है. और अगर कोई आपके अंदर डाउट है, कुछ भी है, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए. और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी. ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कंपाउंड को. एक ही वीडियो आएगा और हम उसी एक वीडियो में पूरे के पूरे कंपाउंड को खत्म कर देंगे. और फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी पता है. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू.